गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वी आर बैक विथ अप्रिल ट्वेंटी थ्री पेपर सो हमने किया वन टू थ्री और फोर सिलेबस में है नहीं हमने किया क्वेश्चन नंबर नाइन तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्वेश्चन नंबर सिक्स से हम लोग चालू करेंगे एंड इंश्योर है इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट ए अ डेरेवेटिव दैट विल प्रोड्यूस अ पे ऑफ डॉलर एक्सए डॉलर एक्सए एज सेट आउट बिलो तो बेसिकली एक्सए अपने को दे दिया है और इसका प्रोबेबिलिटी दे दिया है थ्री uh, 2.6 and 1. Investment B, a diversified portfolio that will produce a payoff of dollars XB and N is a normal random variable with mu is 2 and sigma is 2. The insurer uses a quadratic utility function. Calculate for each investment the expected payoff, the variance of the payoff. स्टेट विथ रीजन विच इन्वेस्टमेंट द इंश्योर वुड चूज कैलकुलेट फॉर इच इन्वेस्टमेंट द शॉर्ट फॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ दी पे ऑफ फॉलिंग बिलो डॉलर जीरो पॉइंट फाइव डॉलर टू एक्सप्लेन वेदर आदर इन्वेस्टमेंट वुड बी मोर अट्रैक्टिव फॉर दिस इन्वेस्टर इन ऑल सर्कमस्टांसेस ठीक है इजी क्वेश्चन है दो टाइप के इन्वेस्टमेंट इसमें हम लोग को दे दिए गए हैं तो हम लोग को सबसे पहले बोला ईच इन्वेस्टमेंट के लिए एक्सपेक्टेड पे ऑफ एंड वेरियंस ऑफ दी ऑफ निकालने बोला है सो so, एक्सपेक्टेड में अपना आएगा ई ए so, अपना आ रहा है वन बाय थ्री इंटू थ्री ठीक है वन बाय थ्री इंटू थ्री 1 by 3 into 2.6 plus 1 by 3 into 1 so this is dollars 2.2 .2. so variance of a वेरियंस so कैसे निकालेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर राइट तो वन बाय थ्री नाइन प्लस सिक्स पॉइंट सेवन सिक्स प्लस वन माइनस टू पॉइंट टू का स्क्वायर तो so वेरिएंस अपना जो आएगा डॉलर्स जीरो पॉइंट डॉलर स्क्वायर जीरो पॉइंट सेवन फोर सेवन इन्वेस्टमेंट बी के लिए बोला है म्यू दे दिया है और सिग्मा भी दे दिया है सो ई बी सो ई बी इज डॉल टू पॉइंट टू एंड वी बी इज डॉलर स्क्वायर फोर ठीक है स्टेट विथ रीजन विच इन्वेस्टमेंट एन शोर वुड चूज अब जैसे दोनों का मीन सेम है बट वेरियंस ए का कम है दे वुड चूज इन्वेस्टमेंट ए एन एंड एंश्योर क्वाड्रेटिक यूटिलिटी फंक्शन विल मैक्सिमाइज देयर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी बेस्ड ऑन द फर्स्ट टू मोमेंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न विच इज वॉट मीन एंड वेरियंस ऑल्टरनेटिवली विल सेलेक्ट द इन्वेस्टमेंट दैट इज द हायर रिटर्न पर यूनिट ऑफ वेरियंस और द लोस्ट वेरियंस पर यूनिट ऑफ रिटर्न

लेस देन जीरो पॉइंट फाइव तो हो ही नहीं सकता है सो दिस इज जीरो प्रोबेबिलिटी एक्स बी लेस देन जीरो पॉइंट फाइव इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी जेड इज लेस देन जीरो पॉइंट फाइव माइनस टू बाय रूट अंडर फोर क्योंकि सिग्मा आपने को दे दिया है ना सिमिलरली एक्से इज लेस देन टू दो से कम चाहिए ना सो so, दो से कम में अपना खाली एक ही आ रहा है एक्सप्लेन वेदर आइदर इन्वेस्टमेंट वुड बी मोर अट्रैक्टिव फॉर दिस इन्वेस्टर इन ऑल सर्कमस्टांसेस क्या बोल रहा है एक्सप्लेन वेदर आइदर इन्वेस्टमेंट वुड बी मोर अट्रैक्टिव फॉर दिस इन्वेस्टर इन ऑल सर्कमस्टांसेस इन्वेस्टमेंट ए गिव्स द सेम मीन अ लोअर वेरियंस एंड अ लोअर शॉर्टफॉल प्रोबेबिलिटीज एट द टू लेवल्स बट इन्वेस्टमेंट बी कैन डिलीवर अ रिटर्न अबव थ्री परसेंट इन समरियोज सो इन्वेस्टमेंट ए इज नॉट बेटर इन ऑल सीनारियज फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट ए डज नॉट शो एब्सोल्यूट और फर्स्ट ऑर्डर स्टोकास्टिक डोमिनेंस ओवर इन्वेस्टमेंट बी सो ये वाला पार्ट अपने में नहीं है स्टोकास्टिक डोमिनेंस अपने में नहीं है सो वी कैन इग्नोर दिस पार्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन देखिएगा एन इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन एन एसेट विथ विदे ऑफ ऑफ एक्स वेर एक्स एज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवेन बाय सो बेसिकली एफ एस अपने को दे दिया है पावर फाइव एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन कैलकुलेट दमी वेरियंट ऑफ रिटर्न कैल्कुलेट दैल्यू एट रिस्क इन दी वर्स फाइव परसेंट ऑफ आउटकम्स वर्स टेन परसेंट ऑफ आउटकम्स री गुड क्वेश्चन डिस्कस द डिफरेंसेज बिटवीन योर आंसर यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है सेमी वेरिएंस निकालना है तो सबसे पहले मीन निकालेंगे मीन निकालेंगे इसका सो so मीन में क्या आएगा मीन में क्या आएगा ध्यान देना म्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन टू इंफिनिटी एस इंटू एफ एस डी एस दिस इज इक्वल टू to टू इन्फिनिटी फोर एस to the power फाइव इंटू एस डी एस ठीक है अब इसको सॉल्व करिए आप लोग अब इसको सॉल्व करिए ठीक है इसको सॉल्व करने से अपना आएगा फोर बाय थ्री अब सेमी वेरिएंस का मतलब क्या होता है सेमी वेरिएंस का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन वन से म्यू म्यू माइनस एस का स्क्वायर एफ एस डी एस सो दिस इज इक्वल टू फोर बाय थ्री माइनस एस का स्क्वायर इंटीग्रेशन वन से फोर बाय थ्री एस टू दी पावर माइनस फाइव डीएस ठीक है यही तो होता है ना अब इसको सॉल्व कर लीजिए ओपन करके इसको सॉल्व कर लीजिए हो जाएगा ये अब मैं नहीं कर रहा पूरा इसको खोलना है बेसिकली ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ठीक है सो so, ये हो जाएगा इसका अपना आंसर जो आएगा जीरो पॉइंट जीरो थ्री फोर सेवन टू 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 उसके बाद में वैल्यू एटरे फाइव और टेन परसेंट पर निकालने बोला है तो पहला प्रोबेबिलिटी इज X is less than t 0.05 ठीक है सो वन माइनस प्रोबेबिलिटी X इज ग्रेटर देन इक्वल टू t सो दिस इज 0.05 पॉइंट जीरो वन माइनस फोर इंटीग्रेशन टी से इन्फिनिटी एस टू पावर माइनस फाइव डी एस सो दिस इज जीरो पॉइंट जीरो फाइव दिस इज इक्वल टू वन प्लस एस टू पावर माइनस फोर टी टू इन्फिनिटी ठीक है ना बहुत सिंपल है ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू t ठीक है देख लीजिए इसको पहले यहां तक ठीक है बहुत सिंपल था ये अब इसको सॉल्व कर लीजिए इसको सॉल्व कर लीजिए इसको सॉल्व करने से अपना आएगा टी का जो वैल्यू आएगा वन पॉइंट जीरो वन टू नाइन सिमिलरली एक में आएगा इसके बाद वाला में जो पार्ट बी है उसमें आएगा वन माइनस टी टू दी माइनस फोर जीरो पॉइंट जीरो फाइव की जगह में आएगा जीरो पॉइंट वन तो यहां से जो अपना टी का जो वैल्यू आ रहा है दस परसेंट वॉर पे वो आएगा वन पॉइंट जीरो टू सिक्स सेवन इससे क्या समझ में आ रहा है टेन परसेंट वॉर इज हायर देन फाइव परसेंट वॉर Which we would expect, it is more than double the five percent वॉर So अपना five percent वॉर कितना है One point zero one two nine. अब एक चीज समझो हम लोग का डिफ्रेंसेस बोलने बोला है The 10% war is higher than the 5% war, which we would expect. It is more than double the 5% war, because of the curve shape of the PDF. ठीक है? Even the 5% war is still higher than one, so this asset has a very small chance of losing the investor money. माने ऐसा बहुत लोगों को लग रहा होगा कि 10% है तो डबल होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है, ठीक है? So, यहां पर क्या बोल रहे हैं यहां पर एक तो बोल रहे कर्व शेप ऑफ द पीडीएफ। कर्व शेप कैसे समझ तो में आ रहा है क्योंकि अपना देखो पावर में क्या है पावर में है अपना एस टू दी पावर माइनस फाइव है पावर में ठीक है तो इसका मतलब क्या है वेरी स्मॉल चांस Very small chance of losing the money. Clear as well. I am move The runoff triangle below shows the incremental claims incurred on a portfolio of car insurance policies. Calculate the outstanding claims using the basic chain ladder method. Discuss whether the chain ladder method is likely to be suitable for this pattern of claims. Discuss with references to the pattern of claims whether any other methods would be better. द बेसिक चेन लैंडर मेथर्ड फॉर दिस पोर्टफोलियो सो इसमें मैं कर नहीं रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी इसमें अपने को सब कुछ करके दिया हुआ है अपने को बस खाली इसमें पहला स्टेप में क्या करना है क्वेश्चन नंबर एट में अपने को इसमें निकालना पड़ेगा क्यूमुलेटिव क्लेम अमाउंट्स। क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव क्लेम अमाउंट्स निकालना पड़ेगा तो सबको पहले हम लोग एडअप्ट कर देंगे एडअप्ट करने के बाद में अपना कुछ ऐसा आएगा 362 634 1140 1490 फिर यहां पर आएगा ट्रिपल फोर फिर यहां पर आएगा 560 फिर यहां पर आएगा 725 फिर यहां पर आएगा 487, 682, सिक्स यहां पर आएगा 518। फिर सारा हम लोग डेवलपमेंट फैक्टर्स निकालेंगे सो बेसिकली डी एफ जीरो से वन निकालूंगा मैं जब मैं निकालूंगा डी एफ जीरो से वन तो मैं क्या करूंगा डी एफ जीरो से वन कैसे निकालेंगे ये तीन राइट और ये तीन फिर उसके बाद में जब हम लोग निकालेंगे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे दिस का सम डिवाइड बाय दिस फिर उसके बाद में जब हम लोग वन से टू निकालेंगे तो ये दोनों और ये दोनों और फिर उसके बाद में जब हम लोग टू से थ्री निकालेंगे तो दिस एंड दिस ठीक है ना तो अपना फिर उससे हम लोग पूरा ट्राइंगल को ऑफ कर देंगे ठीक है बेसिकली इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा टू से थ्री इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा वन से टू तो यहां आऊंगा फिर टू से थ्री तो यहां आऊंगा फिर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा वन से जीरो से वन फिर वन से टू और फिर टू से थ्री यहां मैं करूंगा खाली टू से थ्री यहां करूंगा वन से टू टू से थ्री यहां मैं करूंगा जीरो से वन वन से टू टू से थ्री ठीक है अपना पूरा टेबल बन जाएगा और फिर अपने क्या करेंगे माइनस कर करके निकालेंगे बिकॉज अपने को शोज द इंक्रीमेंटल क्लेम्स इनकट बोला है ना तो इनकट बोला है ठीक है तो इनकट बोल दिया है इसमें तो ओके okay. इनकट बोलने से अपने लास्ट कॉलम का खाली टोटल करेंगे तो लास्ट कॉलम का जो अपना टोटल आ रहा है बट एक्चुअल में इन्होंने क्या किया है वन फाइव थ्री फोर माइनस एक्चुअल इन्होंने माइनस किया है जो कि गलत है बिकॉज यहां पर इनकर्ड बोला अगर पेड़ बोलता तो माइनस करते हैं अगर पेड़ बोलता तो माइनस होता है बट अगर इनकर्ड बोलता है अगर इनकर्ड बोलता है अगर इनकर्ड बोलता है तो फिर नहीं होता है वो चीज ठीक है ना इनकर्ड बोलने से जो लास्ट कॉलम का जो टोटल होता है खाली ये आएगा ये जो लास्ट कॉलम का एक दो तीन चार बट दोनों मेथड से करके दिखा देना कि इनकट होने से क्या होता है और पेड होने से क्या होता है ठीक है डिस्कस वेदर मेथड इज लाइकली टू बी सुटेबल फॉर दिस पैटर्न ऑफ क्लेम्स द बेसिक चेन लैडर मेथड माइट नॉट बी सुटेबल क्लेम्स इन ईयर जीरो अपियर टू बी इंक्रीजिंग क्वाइट फास्ट दिस कुड मीन दैट द इन्श्योरेंस बिजनेस इज ग्रोइंग और इट कुड बी अ साइन ऑफ हाई इन्फ्लेशन विच माइट इनवेलिडेट द बेसिक चेन लैडर मेथड मतलब समझ रहा है यहाँ पर इन्फ्लेशन हो सकता है बहुत ज्यादा हो

क्या बोल रहे देखो यहां पर क्लेम्स क्लेम डेवलपमेंट फॉर पॉलिसीज इशूड इन 2018 थाउजेंड एटीन क्वाइट डिफरेंट टू लेटर इतल मतलब 2018 में जो हो रहा है ये ये देखो अपना 2018 हो गया ये अपना 18 19 20 और ये अपना 21 हो गया 18 19 20 और ये अपना 21 हो गया ठीक तो है तो बोलता है 18 में जो है दैट इज क्वाइट डिफरेंट ठीक है दिस कुड मीन दैट द डेवलपमेंट फैक्टर्स आर नॉट एप्रोप्रिएट अनलेस दिस पैटर्न ऑफ क्लेम्स इज एक्सपेक्टेड टू बी रिपीटेड ठीक है सो क्लेम डेवलपमेंट का दे आर टॉकिंग उसके बाद में इफ द क्लेम पैटर्न फ्रॉम 2018 इज नॉर्मल देन देर आर लॉट ऑफ क्लेम्स फ्रॉम लेटर इज येट टू डेवलप एंड दे माइट नॉट ऑल बी डेवलप बाई इी मैंने यहां पर अपने माने हैं कि तीन साल में डेवलप हो जाएगा दैट इज वन टू एंड थ्री बट ऐसा जरूरी नहीं कि तीन साल में सारा डेवलप हो ही जाएगा सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू द बेसिक चेन लैडर मेथड माइट नॉट बी सुटेबल क्लेम्स इन ईयर जीरो क्लेम्स इन ईयर जीरो अपियर टू बी इंक्रीजिंग क्वाइट फास्ट और दिस कुड मीन दैट द इंश्योर बिजनेस इज ग्रोइंग और इट कुड बी अ साइन ऑफ हाई इन्फ्लेशन विच माइट इनवेलिडेट द बेसिक चेन लैडर मेथड क्लेम डेवलपमेंट फॉर पॉलिसी एटीन अपियर्स क्वाइट डिफरेंट टू लेटर इयर्स ठीक है विथ क्लेम्स रफली डबलिंग इन ईयर वन देन डबलिंग अगेन इन ईयर टू ठीक है देखा यहां पर यहां से यहां मोटा मोटी डबल हो गया फिर यहां से यहां मोटा मोटी डबल हो गया this could mean that development factors are not appropriate unless this pattern of claim is expected to be repeated. if the claim pattern from 2018 is normal, then there are a lot of claims from later years yet to develop. skibad may discuss with references to the pattern of claims whether any other methods would be better. the insurer could use inflation-adjusted chain ladder because this would correct for possible high inflation over the last few years. the insurer could use bf method, born-hutter-ferguson method,

इट्स मोर ऑफ थियरी पार्ट ओके नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव सो क्वेश्चन नंबर फाइव आठ नंबर का है एंड क्वेश्चन नंबर फाइव जो है दिज द सेम क्वेश्चन विच हैज बीन रिपीटेड क्वेश्चन नंबर फाइव जो है दिस द सेम क्वेश्चन विच हैज बीन रिपीटेड ये सीएम जी थियरियम का क्वेश्चन है इन अ ब्लैक स्कोल्स मार्केट द स्टॉक प्राइस तो क्वेश्चन नंबर फाइव देखो क्या बोलता है द स्टॉक प्राइस इज गिवन बाय दिस सो बेसिकली एस टी अपने को दे दिया है एस जीरो एक्सपोनेंशियल जीरो पॉइंट टू बी टी प्लस जीरो पॉइंट टू टी वेर बीटी इज अटैंडर्ड ब्रॉनियन मोशन अंडर द रियल वर्ल्ड प्रोबेबिलिटी मेजर अटिव सिक्योरिटी मैंने बेसिकली बीटी क्या है बीटी मेरा क्या है स्टैंडर्ड ब्रॉनियन अंडर रियल वर्ल्ड अ डेरिवेटिव सिक्योरिटी रिटर्न स्टॉक इन द सेम मार्केट एट टाइम टी सो डी टी भी अपने को दे दिया है सो डी टी इज टू एक्सपोनेशियल जीरो पॉइंट सिक्स बी स्विगल टी माइनस सी टी प्लस जीरो पॉइंट थ्री नाइन टी वेर बी स्वीगल टी इज अटैंडर्ड मोशन अंडर द इक्वेल एंड मार्टिंगल मेजर मैंने रिस्क न्यूट्रल वर्ल्ड का बात कर रहा है ठीक है और रियल से न्यूट्रल में जाने के लिए हम लोग क्या करते थे सीएमजी थ्योरम लगाते थे कैमरॉन मार्टिन गेशन ऑफ थ्योरम वेयर डराइव डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सी सच दैट बीटी प्लस सीटी इज अ स्टैंडर्ड बर्न मोशन अंडर द इक्विवेलेंट मार्टिंगल मेजर ठीक है बोलता है रियल और रिस्क न्यूट्रल को कनेक्ट कैसे करेंगे रियल एंड रिस्क न्यूट्रल आर कनेक्टेड बाय द मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क विच इज वॉट सी मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क विच इज वॉट सी स्टॉक प्राइस और डेरिवेटिव प्राइस मैंने ऑलरेडी बता दिया अब हम लोग को सीएमजी थेम यूज करके ठीक है हम लोग को करना पड़ेगा सो so, अपने को क्या बोला है बी स्विगल टी इज इक्वल टू बी टी प्लस सी टी ठीक है सो so, जो अपना एस टी है दिस इज वॉट एस जीरो एक्सपोनेंशियल जीरो पॉइंट टू सो अगर हम लोग देखेंगे तो जीरो पॉइंट टू बीटी था ना अब बीटी को अपन रिप्लेस कर रहे हैं सो बी टी को अपन रिप्लेस कर रहे हैं बी स्विगल टी माइनस सी टी प्लस जीरो पॉइंट टू टी ठीक है So, ये अपना क्या बन जाएगा ध्यान देना ये अपना बनेगा एस जीरो एक्सपोनेंशियल जीरो पॉइंट टू वन माइनस सी टी प्लस जीरो पॉइंट टू बी स्विगल टी ये अपना आएगा चेक कर लो ठीक है सिमिलरली आपने क्या कर रहे हैं यहां पर अपने बी टी रिलेटेड टर्म्स को अलग कर लिए और टी रिलेटेड टर्म्स को अलग कर लिए सिमिलरली जो डी टी है उसको भी मैं वैसे ही करूंगा बी स्विगल टी को अलग करूंगा और बाकी सबको अलग करूंगा सो दिस विल बिकम टू एक्सपोनेंशियल 0.39 माइनस जीरो पॉइंट सिक्स ठीक है प्लस जीरो पॉइंट सिक्स बी स्वीगल टी ठीक है ना जीरो पॉइंट सिक्स बी स्विगल टी दोनों ही क्या है ज्योमेट्रिक ब्राउनियन मोशन है दोनों ही क्या है ज्योमेट्रिक बोन मोशन है ठीक है एस टी भी दे दिया और डी टी भी दे दिया अपने को तो अब ध्यान देना अपने को डीएसटी बनाना है और डी डी टी बनाना है जो कि बहुत सिंपल है जो कि बहुत सिंपल है एक मैं यहां पर एग्जाम्पल दिखाता हूं यह तो ठीक है अब जैसे देखो डी एस टी मान लो तुम्हारा है एस टी म्यू डी टी प्लस सिग्मा डीबीटी सो अपना जो आएगा एस टी इज इक्वल टू एस जीरो एक्सपोनेंशियल म्यू माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी प्लस म्यू माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी तो बोलने का मतलब क्या है कि ये कन्वर्जन है अपना ये जो है ये अपना कन्वर्जन है ठीक है ये वाला हम लोग कर चुके हैं बहुत बार कर चुके हम लोग ये वाला ये वाला हम लोग बहुत बार कन्वर्जन कर चुके हैं यही अपना कन्वर्जन है ठीक है आप लोग को ये चैप्टर नंबर इलेवन में भी मिल जाएगा चैप्टर नंबर इलेवन में भी आप लोग को ये मिल जाएगा डीएसटी अगर अपना है एस टी म्यू डीटी प्लस सिग्मा डीबीटी सो एस टी इज वॉट एस जीरो एक्सपोनेशियल म्यू माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी नहीं होगा प्लस सिग्मा बीटी प्लस सिग्मा बीटी होगा ठीक है वहीं पर मैं गलती कर रहा था एंड सिमिलरली इज फॉर दी लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल सो इन द लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दी लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक तो अपना ये हो गया दूसरा क्या है अगर डीएसटी अपना है एस टी म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी प्लस सिग्मा डीबीटी तो अब अपना एस क्या आएगा एस टी इज एक्स जीरो एक्सपोनेंशियल म्यूटी प्लस सिग्मा बीटी माने अगर तुम म्यू से चालू कर रहे तो तुम्हारा आएगा म्यू माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर से चालू कर रहे तो तुम्हारा आएगा म्यू ये समझा और सिग्मा बीटी तो है ही ठीक है और अपना सिग्मा बीटी तो है ही ठीक है देख लो पहले इसको एक बार तो अब अगर अपने देखेंगे अपने को यहां पर सिमिलर टाइप का कोई चीज दिया हुआ है अपने को दोनों का ये बनाना है एस इज़ एस जीरो दे दिया है अब जैसे देखो अपने इससे कंपेयर करते हैं तो ये अपना जो म्यू है डी के साथ तो बेसिकली एस टी इज वॉट एस जीरो देखो अपने को ये वाला दिया हुआ ना सो ये वाला पार्ट है ठीक है और एक ये वाला पार्ट है दोनों में पहले कंपेयर कर लो आराम से एक तो टी वाला पार्ट हो गया और एक जो तो बी विगल टी के साथ में वो वाला पार्ट हो गया ठीक है सो बेसिकली अब हो गया अपना क्वेश्चन यही आपको बताना था सो so, दोनों का निकालो दोनों का निकालो अपने करेंगे क्या अपने सबसे पहले तो बनाएंगे टी सो डी एस टी इज नथिंग बट एस टी जीरो पॉइंट टू वन माइनस सी प्लस जीरो पॉइंट टू का स्क्वायर बाय टू दिस होल थिंग इनटू डीटी दिस होल थिंग इनटू डीटी प्लस जीरो पॉइंट टू डी बी स्विगल टी ठीक है ना इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे हो जाएगा सो दिस इज एस टी जीरो पॉइंट टू टू So this is ST 0 0.22 minus 0 0.2 C DT plus 0 0.2 DB swiggle T. सिंप्लीफाई करके एंड सिमिलरली डी जो अपना आएगा सो डी 0.39 जीरो पॉइंट थ्री नाइन माइनस जीरो पॉइंट सिक्स सी प्लस जीरो पॉइंट सिक्स का स्क्वायर बाय टू प्लस जीरो पॉइंट सिक्स डी बी स्विगल टी अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर सो दिस इज डी टी जीरो पॉइंट फाइव सेवन माइनस जीरो पॉइंट सिक्स सी डी टी प्लस जीरो पॉइंट सिक्स डी बी स्विगल टी अब जैसे दोनों ही क्या है रिस्क न्यूट्रल है तो दोनों का ही जो होगा वो क्या होगा रिस्क फ्री रेट होगा तो मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो पूरा पार्ट है और ये वाला जो पूरा पार्ट है जो डी के संग में अटैच है ये दोनों सेम है ये दोनों सेम है तो बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं रिस्क न्यूट्रल वर्ल्ड में बोथ एसेट्स आर हैविंग द सेम रेट ऑफ ड्रिफ्ट इज इक्वल टू द रिस्क फ्री रेट सो क्या क्या आ रहा है 0.22 पॉइंट माइनस जीरो पॉइंट टू सी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव सेवन माइनस जीरो पॉइंट सिक्स सी ठीक है तो अब यहां से सॉल्व कर लीजिए आपका सी च इज जीरो पॉइंट एट सेवन फाइव सो आर अपना क्या आ जाएगा जीरो पॉइंट टू टू माइनस जीरो पॉइंट टू इंटू जीरो पॉइंट एइट सेवन फाइव ठीक है देखिए इसको आराम से यह वाला क्वेश्चन को मैं दोबारा से रिवाइज कराता हूं आपको बेटर लगेगा ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका चालू हुआ था यहां से अपने को इसमें एसटी दे दिया है अपने को इसमें एस दे दिया है ये दे दिया ये रियल वर्ल्ड का है ये रियल वर्ल्ड का अपने को दे दिया ठीक है क्योंकि तो यहां पर, पर बी टी दिया है इक्वल एंड मार्टिंगल मेजर का मतलब क्या होता है रिस्क न्यूट्रल वर्ल्ड ठीक है बोलता है मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क जो है वो है सी ठीक है मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क तो अपने क्या कर रहे हैं अपने को यहां पर क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया था इन्होंने अपने को यहां पर क्वेश्चन में इन्होंने इक्वेशन दिया था क्या दिया था बी टी इज बीटी प्लस सी टी बी टी इज वॉट बी टी प्लस सी टी जो अपना मैट में जो गामा है ना मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क विच इज वॉट म्यू माइनस आर बाय सिग्मा शार्प रेशो भी बोलते हैं इसको इसको हम लोग शार्प रेशो भी बोलते हैं एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क तो इसके बाद में मैंने क्या किया मैंने ऊपर वाले में भी बी टी को रिप्लेस किया बी विगल टी माइनस सी टी से एंड देन आई गॉट होल्ड ऑफ अ बेसिकली एक्सप्रेशन जहां पर एक मैंने टी के रेस्पेक्ट में बनाया है और एक में बीस विगल टी है सिमिलरली मैंने यहां पर भी किया एक टी के रेस्पेक्ट में और एक बीस विगल टी के रेस्पेक्ट में ठीक है उसके बाद में मैं क्या किया मैं आपको एक चीज समझाने का ट्राई किया डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या बनता है जब अपने डीएसटी ये अपना है जीबीएम और ये है अपना लॉग नॉर्मल मॉडल ठीक है तो जोमेट्रिक ब्लॉन मोशन में क्या होता है अपने चालू करते हैं डीएसटी से एस टी म्यू डी टी प्लस सिग्मा डीबीटी तो अपने कहां पर पहुंचते हैं एस इज एस जीरो एक्सपोनेशियल म्यू माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी प्लस सिग्मा बीटी राइट अगर इसको अपने को सॉल्व करना हो तो अपने कैसे कर सकते हैं एस टी बाई एस जीरो ऐसे भी लिख सकते हैं एल एन एस टी बाय जीरो तो एल एन एस टी बाई एस जीरो विल फॉलो वी इज इक्वल टू वॉट फिर वहां से अपने चालू करेंगे यहां से बी टी फॉलोज नॉर्मल जीरो कॉमा टी फिर सिग्मा बी टी फिर वो वाला पूरा तो अपने क्या समझे कि अगर, अगर अपने म्यू से चालू कर रहे हैं तो अपना फाइनल में आ रहा है म्यू माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर मतलब कि माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर होगा तो जब म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर से चालू करेंगे तो माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर होने से म्यूटी प्लस सिग्मा बी टी आएगा ठीक है उसके बाद में मैंने क्या किया अब मैंने ट्राई किया क्योंकि मेरे को एस टी पता है अब मैंने क्या किया मेरे को एस टी पता है और मेरे को डी टी पता है तो मैंने क्या किया मैंने डीएसटी बनाया और मैंने डीडीटी बनाया क्या किया मैंने मैंने डीएसटी बनाया और मैंने डीडीटी बनाया तो कैसे बनाया आप ध्यान दो ये वाला जो पूरा पार्ट है ना ये वाला जो पूरा पार्ट है ये वाला जो पूरा पार्ट है ये मेरा म्यू है और ये है मेरा सिग्मा जैसे ये वाला जो पूरा पार्ट है ये मेरा बन गया म्यू और ये मेरा बन गया सिग्मा ठीक है बस म्यू अ, बेसिकली अपने चालू कर रहे हैं अच्छा अब इसमें और एक चीज ध्यान देना अब इसमें और एक चीज ध्यान देना अपने यहां से यहां गए थे अपने को जाना अब यहां से यहां है उल्टा जाएंगे ठीक है अपने को तो एस टी तो दिया भाई है यहां से अपने को यहां जाना है तो जब उल्टा जाएंगे जब उल्टा जाएंगे जब उल्टा जाएंगे तो क्या करेंगे प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर ये चीज याद रखना माने मैं क्या बोल रहा हूं जब डीएसटी से एसटी जाएंगे तो क्या करेंगे माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर जब उल्टा जाएंगे मतलब जब एस टी से डीएसटी जाएंगे तो करेंगे प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर मैंने ऑब्वियसली बेसिकली माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी प्लस हाफ सिग्मा टी। ठीक है ना आप क्लियर है तो वही मैंने यहां पर भी किया है वही मैंने यहां पर भी किया है। देखो मैंने यहां पर प्लस चढ़ाया है मैंने यहां पर भी प्लस चढ़ाया है और फिर मैंने सिंप्लीफाई किया एक निकाला dt और एक निकाला डी बीस विगल टी तो बेसिकली dt वाला जो टर्म है वो मेरा क्या हो जाएगा ड्रिफ्ट ये भी मेरा ड्रिफ्ट है ये भी मेरा ड्रिफ्ट है अब दोनों का ड्रिफ्ट इक्वल है क्योंकि ये दोनों में है रिस्क न्यूट्रल वर्ल्ड में दोनों का ही ड्रिफ्ट क्या है सेम है क्योंकि दोनों में है रिस्क न्यूट्रल वर्ल्ड में है ठीक है तो दोनों का ड्रिफ्ट को सेम किया एंड दोनों का ड्रिफ्ट क्या है रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दोनों को इक्वल पहले मैंने सी निकाला विच इज मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क और फिर मैंने यहां से रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला ठीक है सो इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एप्रिल ट्वेंटी थ्री एज वेल हम लोग का टारगेट बिल्कुल क्लियर है कि हम लोग करेंगे 2019 से लेकर के 2023 के पेपर्स ठीक है थैंक यू ऑल ऑफ यू